आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव। सेमी भौमिक और किरण जाधव हमारे साथ मौजूद हैं। इंटरनेशनल मार्केट से क्यूज आज की ओपनिंग से पहले अच्छे नहीं है। सेंसेक्स निफ्टी अभी भी 75 पॉइंट्स डाउन ट्रेड कर रहा है 997 के लेवल्स पर। तो हो सकता है नए सीरीज की शुरुआत आज एक सॉफ्ट नोट पर या फिर वीक नोट पर हो, लेकिन हमने हाल में कई बड़े एक्सपर्ट से बातचीत की जिन्होंने कहा कि 10,000 के लेवल्स पार होने के बाद आपको थोड़ा सा मार्केट में कॉशियस होना चाहिए। राहुल अरोरा, गौतम शाह और साथ ही सौरभ मुखर्जी का क्या व्यू है, सुन लेते हैं। आई थिंक मार्केट अर्निंग से कहीं आगे निकल चुका है और जैसे मैं थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहा था, मुझे लगता है कि मार्केट हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड डिस्काउंटिंग व्हाट FY19 अर्निंग्स विल बी। मेरा ये मानना है कि अगर आप FY19 के भी अर्निंग्स को फैक्टर इन कर दें तो भी मुझे लगता है कि फिलहाल मार्केट थोड़ा ओवर वैल्यूड है और रिटेल इन्वेस्टर्स को स्पेशली यहाँ पे बहुत कॉशन एक्सरसाइज करना चाहिए अगर वो निवेश करने की बात के बारे में। Our view is that leverage positions, trading positions should be booked out closer to 10K. Investment wise, I think we still believe that there is a lot more upside in the market if you're taking a 6 to 12 month perspective. So that view does not change. But fresh longs in the market should be built only on a sizable correction of 3 to 5%. So whilst you understand that the rally has momentum and could continue for another few months, perhaps even another few quarters, fundamentally valuations remain stretched and our advice to clients is be cautious. It doesn't matter if you miss out on a few quarters of upside. The main responsibility, I think निवेशक लोगों को सोचना पड़ेगा कि portfolio को protect करें rather than aggression से इतनी भारी valuation में इतनी ऊंचे level पे market को chase करें। तो तीन एक्सपर्ट्स का आपने व्यू सुना और तीनों का मानना यही है कि इन लेवल्स पर कॉशियस रहने की जरूरत है। गौतम शाह ने इनफैक्ट प्रिसाइसली बताया भी कि 6 से 12 महीने में मार्केट्स काफी स्ट्रांग लग रहे हैं, लेकिन नियर टर्म में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग मार्केट्स पर हावी हो सकती है।